हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप तमाम का फिर से एक बार स्वागत है। और यह हम सिरसी से काफ़ी दूर मड़ल गांव बोल के एक एरिया है, तो सिरसी से लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर होता है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कोबरा आकर बैठा हुआ है, तो हम ज़्यादा ना देर करते हुए जाकर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सांपों से जुड़ा हर जानकारी आप तमाम लोगों तक मिलता रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस बच्चे को अपना निवाला बना चुका है, तो किस तरह से छोड़ दिया है, तो फिर भी इसके बदन पर जहर जा चुका है, तो ये बच्चा नहीं बचेगा। चलो हूँ छल कर चले आंगन में। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं, इसी को इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा कहते हैं, तो इसे हिंदी में नाग और गेहुआन के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक सांप होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का पॉइजन पाया जाता है जो इंसान को चंद घंटों के अंदर मार सकता है। तो ऐसा सांप जिसे तो इससे धुरिया बनाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे सांप पलक झपकते वार कर सकते हैं। तो इसका गुस्सा आप देख सकते हैं। तो ये हर दम चूहों की तलाश में या मुर्गियों की तलाश में हमारे घरों के आसपास नजर आते हैं। तो शिकार मिलने के बाद ये अपना भोजन तलाश कर को उसको खा करके चले जाते हैं। तो ऐसे में किसी इंसान की नज़र पड़ने से या इंसान का कभी पैर पड़ने से बाइट हो जाता है। तो ऐसा सांप काट ले तो इसे झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इसे इसका काट लेने के बाद अभी इसको ज्यादा ना छेड़ते हुए डब्बे में पैक करते हैं। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सांपों से जुड़ा हर जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचता रहे। डब्बे में पैक करते हैं। तो ये वीडियो देखकर आप भी इस तरह से डालने की या पकड़ने की कोशिश ना करें, हमारी कॉपी ना करें,
ऐसे टाइम पर किसी वक्त भी खतरा हो सकता है, तो कहीं से भी निकल कर सांप काट सकता है। तो हम भी बहुत सावधानी से इसको डालने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको ले जाकर फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।